दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूँ फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 दिसंबर 2021, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ, मुझे मालूम है कि आप बिहार से ही हैं, तो आप खुश हो जाइए, खुशियाँ मनाइए, क्योंकि अब जो हम बातें बताने जा रहे हैं वह सुनकर ही आप यकीनन खुश हो जाएंगे। यह बहुत ही खुशी की बात है। दरअसल पूरे देश में बिहार अचानक सुर्खियों में आ गया है। यहाँ की धरती में पूरे देश में सबसे अधिक सोना छुपा हुआ है, यानी कि गोल्ड छुपा हुआ है। ये कोई और नहीं बल्कि मोदी सरकार ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी है। यहाँ सबसे ज्यादा सोने का भंडार है। केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सवाल के जवाब में जानकारी दी है कि बिहार में देश का सबसे बड़ा सोना का भंडार है, जहाँ सोना का खदान है। उन्होंने लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कहा कि बिहार में 37 टन धातु युक्त अयस्क सहित 223 मिलियन टन सोना है। यह देश के सोना भंडार का 44% है। बिहार में यह पूरा सोना का भंडार जमुई जिले के सोनो गांव में है। सोना भंडार के मामले में बिहार के बाद ही कोई दूसरा राज्य आता है। यह कर्नाटक दूसरे और राजस्थान तीसरे नंबर पर है। लेकिन यह भी सच है कि 15 से 16 साल से बिहार में खनन कार्य बंद है। आपको बता दो कि 1994 से 1995 में जमुई का सोनो गांव अचानक सुर्खियों में आ गया था। सोनो गांव में सोना के अकुत भंडार का पता चला था। तब भी यह बताया गया था कि यहां मिलने वाला सोना उच्च क्वालिटी का है, यानी कि हाई क्वालिटी का है। दोस्तों बात करते हैं कि जातीय जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभी विपक्षी दल के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। जी हां, नीतीश कुमार से लगभग आधे घंटे तक हुई बातचीत के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बात की जानकारी दी है कि बिहार में राज्य सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का भरोसा दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में इसके लिए जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लंबे अरसे से जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने जब जातीय जनगणना को खारिज कर दिया है तो फिर बिहार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराए, इसकी जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमने आज एक बार फिर से इसी मसले को लेकर मुलाकात की थी। तमाम विपक्षी दलों ने इस मामले पर एकजुटता दिखाई है। विपक्ष की एकजुटता का ही नतीजा है कि सरकार बिहार में जातीय जनगणना कराने को तैयार हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, जहां अगले 3 से 4 दिनों में यह बैठक बुलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसका भरोसा दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बाइक से लेकर ट्रक तक को आपने धक्का लगाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने एरोप्लेन को धक्का लगाते हुए देखा है? यह एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एरोप्लेन को यानी कि हवाई जहाज को धक्का लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह इस वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर मजे भी ले रहे हैं। आप भी इस वीडियो को देखिए। दोस्तों बात करते हैं कि व्हाट्सएप ने अक्टूबर में भारत में 2 मिलियन यानी कि 2 करोड़ अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह व्हाट्सएप ने यह बैन भारत सरकार के आईटी रूल 2021 के तहत लगाया है। जब नए आईटी कानून लागू होने के बाद प्रत्येक महीने के अंत में सभी सोशल मीडिया कंपनी अपनी रिपोर्ट जारी करती है और व्हाट्सएप की ओर से जारी होने वाली एक 5वीं रिपोर्ट है। व्हाट्सएप हर महीने मिले शिकायत के आधार पर अकाउंट पर बैन लगाता है। जब अक्टूबर में अकाउंट को लेकर 18 शिकायतें आई जिसमें से 2 मिलियन से अधिक अकाउंट पर बैन लगा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनमें से वे भी अकाउंट शामिल है जिन्हें पहले बैन किया गया था और इस पर बैन हटाने की मांग की गई थी। जहां सितंबर में व्हाट्सएप ने 2 मिलियन अकाउंट्स पर बैन लगा दिया था। दोस्तों अब बात करते हैं कि महंगाई ने एक बार फिर से आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। जब कल ही आपको बताया गया था कि 1 दिसंबर को ही एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये का इजाफा हुआ, जब वही अब फिर से सरसों के तेल की कीमतें आसमान छू रही है। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में सरसों के तेल की कीमतें 200 रुपये प्रति लीटर से अधिक हो गई है। जब बीते एक साल की बात करें तो सरसों के तेल की कीमतों में 70 से 80% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में 1 दिसंबर 2020 को सरसों के तेल की कीमत
₹236 प्रति लीटर थी, वही 1 दिसंबर 2021 को दिल्ली में सरसों का तेल ₹203 प्रति लीटर पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि देश में खाद्य तेलों का ज्यादातर हिस्सा आयात किया जाता है, यानी कि खरीदा जाता है। मोदी सरकार ने खाद्य तेलों की कीमतों में कमी लाने के लिए बेसिक की ड्यूटी घटा दी थी। इसमें कच्चा पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल आदि शामिल थे। दोस्तों अब बात करते हैं कि कहते हैं कि शादी वह त्यौहार है जो जीवन में बस एक बार मनाया जाता है। ऐसे में इस त्यौहार को यादगार बनाने के लिए कुछ लोग भी अजीब अजीब सी वजुल फजुल खर्च करते हैं। यह कुछ ऐसा ही मामला बक्सर से, यानी कि बिहार के बक्सर से सामने आया है, जहां एक दूल्हा अपनी दुल्हन लेने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचा। मामला बिहार के बक्सर जिले के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के परसिया गाँव का है। बक्सर से उड़कर दूल्हा भोजपुर शादी करने के लिए निकला। बारात निकलने से पहले वहां मौजूद लोग हेलीकॉप्टर के साथ फोटो खिंचवाते तथा सेल्फी लेते नजर आए। दरअसल परसिया के सुरेंद्र नाथ तिवारी और उमरावती देवी के पुत्र राजू तिवारी आंध्र प्रदेश रेलवे में इंजीनियर हैं। बुधवार को उनकी शादी भोजपुर जिला के कृपा कुमारी से हुई। जो वैसे तो शादी में खर्च की बात करें तो बहुत हुई है। जो 8 लाख में तो सिर्फ हेलीकॉप्टर ही बुक हुआ था, लेकिन लड़के के घर वाले ने दहेज का रुपया भी नहीं लिया। जो दूल्हा राजू तिवारी कहते हैं कि दहेज कुप्रथा के कारण गरीब परिवार की लड़कियों की शादी में अड़चन आती है। जो इस शादी के जरिए राज्य सरकार के दहेज मुक्त शादी के आह्वान का समर्थन करते हुए समाज को संदेश देना चाहता था, ताकि दहेज के भाव में लड़कियों की शादी बाधित ना हो। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि जितना खर्च उन्होंने अपनी शादी में की, उतने में तो कई गरीब लड़कियों की शादी हो सकती थी। हम सरकार में हैं, बदतमीजी करते हो तुम लोग। इन एसपी डीएम जाता है तो फिर ये लोग मंत्री को रोककर खड़ा करवाते हैं। जब एसपी और डीएम आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं और ये खड़ा कराते हैं यहाँ पर। ये अधिकारी जो यहाँ पर खड़े हैं, इनकी सस्पेंशन होगी, तभी मैं सदन में जाऊंगा। ये गुस्सा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये गुस्सा बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा का है। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को चौथा दिन था, जब सदन के अंदर जमकर हंगामा हो रहा था। मंत्री जी ने सदन के बाहर भी ऐसा ही हंगामा किया कि मीडिया चैनलों के तमाम कैमरे उनके तरफ हो गए और माइक मुंह के सामने आ गए। दरअसल गुरुवार को शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भाजपा कोटे के मंत्री बने जीवेश मिश्रा जैसे ही विधानसभा पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने उनकी गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी रोके जाने पर बिहार के पर्यटन, मजदूर और खनन मंत्री जी इतना भड़क गए, इतना गुस्सा हो गए कि वहां मौजूद सुरक्षा अधिकारी को सस्पेंड कराने की बात करने लगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद रोशनी जाने के मामले में अब तक 16 लोगों की आंखें निकाली जा चुकी है। पीड़ित मरीजों का कहना है कि आंख ठीक करवाने गए थे, अब निकलवाने की नौबत आ गई है। जहां वहीं इस घटना के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। दरअसल अस्पताल की लापरवाही के कारण 27 लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है। जब स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है, जब वहीं सिविल सर्जन और एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर ने संयुक्त रूप से आई हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही से अब तक 16 लोगों की आंखें निकाले जाने को लेकर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। आपको बता दूं कि ये खबर आपको केरीबी लैब के माध्यम से कल भी बताया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव का क्षेत्र और जवाद तूफान का असर बिहार में भी दिख सकता है, हालांकि इसका असर बिहार में ज्यादा नहीं होगा। खबर के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठ रहे ये जवाद तूफान बिहार में नहीं पहुंचेगा, लेकिन इसके असर से यहां के मौसम में बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। जब कुछ जिलों में तो तेज हवाएं भी चल सकती है और हल्का बारिश भी हो सकता है। वहीं इस तूफान से बिहार में वज्रपात होने की भी खतरा है। वहीं इस तूफान का बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड और बंगाल में अधिक असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि मौसम में होने वाले इस दबाव से बिहार में ठंड और बढ़ेगी, जब साथ ही साथ यहां के तापमान में भी गिरावट आएगी। फिलहाल बिहार के पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया सहित कई जिलों में ठंड के साथ साथ कोहरा शुरू हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज में कोचाधवन प्रखंड के बड़ी जान पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि फुरकान आलम को बुधवार की रात शाम बदमाशों ने गोली मार दी। यह गंभीर रूप से घायल प्रतिनिधि को एमजीएम मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां हालत गंभीर देखकर सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया है। इधर सूचना मिलने पर कोचाधवन थाना अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए हैं। आपको बता दें कि मुखिया प्रतिनिधि फुरकान आलम क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले थे, जब दुर्गापुर के पास बदमाशों ने उनका अचानक रास्ता रोका और बंदूक तान दी।
फुरकान आलम जब तक कुछ समझ पाते तब तक बदमाशों ने गोली चला दी। यह गोली सीधे सीने में लगी और वे वहीं पर गिर पड़े। यह खबर आ रही है कि एक गोली पांव में भी लगी है। यह गोली की आवाज़ सुनकर जब तक लोग जुटे बदमाश तब तक फरार हो गए। यह स्थानीय लोगों ने प्रतिनिधियों को इलाज के लिए किशनगंज मेडिकल कॉलेज पहुँचाया। एसपी कुमार आशीष ने कहा कि घटना में शामिल बदमाशों की पहचान की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप भी बिहार में रहते हैं या फिर आप कहीं से भी बिहार आ रहे हैं तो आपको एक बार जरूर बक्सर की फेमस मिठाई मजिस्ट्रेट मिठाई का आनंद लेना चाहिए। जहां आपको बता दूं कि ये मिठाई केवल बक्सर के खास गांव में बनाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि मिठाई बनाने के लिए केवल 2 लोग ही मिठाई का निर्माण करते हैं। जहां इस मिठाई को बनाने के लिए तीसरा कोई भी लोग नहीं है इस दुनिया में। जहां इसके साथ साथ यहाँ मिठाई बनाने वाले लगभग 40 सालों से इस खास मिठाई को तैयार कर रहे हैं। बिहार, यूपी और झारखंड जैसे कई राज्यों में इस मिठाई की भारी डिमांड देखी जाती है। आपको बता दूं कि बक्सर कोचस मुख्य मार्ग में स्थित सरेंजा गांव के दोनों किनारे पर लकड़ी की धीमी आंच पर मजिस्ट्रेट मिठाई बनाती दिखाई देती है। पहले गांव के आसपास में ही ये मिठाई मशहूर थी, लेकिन धीरे धीरे अब वे लोगों की जुबान पर चढ़ती गई और इसकी खुशबू जिले ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी पहुंच गई। इसकी चर्चा का कारण सिर्फ स्वाद ही नहीं नाम भी है। शायद ही आपको कहीं मजिस्ट्रेट नाम की मिठाई खाने को मिले। अपने नाम और स्वाद के कारण जिले के बहुत से लोग इससे वाकिफ हैं। सरेंजा गांव की 2 झोपड़ी नुमा दुकानों में इससे बनाया जाता है। इसके साथ साथ मजिस्ट्रेट मिठाई दूध से बनती है। आपको बता दें कि 5 लीटर दूध को जलाने पर 1 केजी मिठाई बनती है। दोस्तों बात करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज शाखा की फंड रिलीज की मांग को लेकर किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद सांसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद भवन के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे। आपको बता दें कि 2014 को AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शाखा किशनगंज का भव्य उद्घाटन किया गया था, जिसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े इस जिले किशनगंज जिले के लोगों और छात्र छात्राओं को उत्साह का माहौल था। जहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा के किशनगंज में खुलने से गरीब छात्र छात्राओं में यूनिवर्सिटी में पढ़ने की उम्मीद थी, यह उम्मीद जगी थी, लेकिन फंड के अभाव में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज शाखा का निर्माण कार्य अधर में ही पड़ा रह गया, जिसको लेकर किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जहां उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज की शाखा को लेकर कोई सुनवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और जब तक केंद्र सरकार कोई हल नहीं निकालती है हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। सांसद जावेद आजाद का कहना है कि 2014 में केंद्र सरकार द्वारा AMU शाखा किशनगंज के लिए 136 करोड़ रुपए का फंड दिया था, जिससे AMU शाखा किशनगंज का अपना भवन, प्रयोगशाला, हॉस्टल और खेल मैदान सहित सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराया जाना था, लेकिन अब तक इस शाखा को केवल 10 करोड़ रुपए का फंड निर्गत किया गया ताकि AMU शाखा का विस्तार हो सके, जिससे कि सीमांचल के विद्यार्थी अपने गृह क्षेत्र में रहकर उच्च शिक्षा ग्रहण करके अपना कैरियर संवारने में कामयाब हो सके। दोस्तों अब बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में गलत ऑपरेशन से आंखों की रोशनी जाने का मामला गुरुवार को विधानसभा में जोरदार गूंजा। यह कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि जनता जान रही है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। मुजफ्फरपुर में आंखों का ऑपरेशन होने के बाद कई लोगों की आंख खराब हो गई है। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कार्रवाई करनी चाहिए। जिसकी आंखें खराब हुई है उनकी आंखें ठीक कराई जानी चाहिए। इसके लिए उन्हें दिल्ली या फिर जहां से भी हो सके उनकी मदद करनी चाहिए और परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। जो अजीत शर्मा ने कहा है कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब कहते हैं कि जब हौसलों की उड़ान बहुत ऊंची हो तो इसके सामने कद कोई मायने नहीं रखता, वहीं ऐसे लोगों को जनता का भी भरपूर सहयोग मिलता है। जी हाँ, मामला मुंगेर जिला के सदर प्रखंड के पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान डायट केंद्र पर देखने को मिला है। यहाँ सदर प्रखंड के श्रीमतपुर पंचायत के वार्ड संख्या 12 से पंच पद पर चुनाव लड़ने वाली 3 फुट 3 इंच की प्रत्याशी नाज परवीन ने 225 वोट लाकर अपने से हाइट में बड़े कई प्रत्याशियों को मात देकर काफी खुश नजर आ रही थी। जब उनसे उनके कद को लेकर मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा तो उन्होंने बताया है कि उन्हें अपने वार्ड के लोगों से हमेशा इतना प्यार मिला है, कभी उन्हें अपने छोटे कद को लेकर किसी प्रकार की कोई भी भावना नहीं हुई है। इसके कारण ही उसमें पंच पद पर चुनाव लड़ने की ताकत आई और उन्होंने अपने वार्ड की जनता पर भरोसा करते हुए पंच पर चुनाव लड़ा, जहां उनके वार्ड की जनता ने भी उनका भरपूर सहयोग दिया और उन्हें विजय बनाया।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए बिहार सरकार राज्य की यानी कि बिहार के 20 जिलों में जमीन का नया खतियान बना रही है, जहां इसके लिए जमीन का सर्वे किया जा रहा है। खबर के अनुसार 1950 के बाद पहली बार बिहार के नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर, लखीसराय, सुपौल, अररिया, अरवल, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, जमुई, शिवहर, सहरसा, सीतामढ़ी, चंपारण, पूर्णिया, बांका, शेखपुरा, बेगूसराय और मधेपुरा में जमीन सर्वे किया जा रहा है। आपको बता दूं कि बिहार के इन जिलों में जीवित रैयत यानी कि जमीन के वर्तमान मालिक के नाम पर ही नया खतियान तैयार किया जा रहा है, जहां यह खतियान सर्वे कार्य के साथ साथ बन रहा है, जहां अमीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों, कानूनगो लिपिकों के द्वारा इस काम को किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के इन 20 जिलों में बहुत जल्द जमीन का नया खतियान तैयार हो जाएगा, जारी होगा। जमीन की खरीद बिक्री होने पर खतियान में नए मालिक का नाम भी अपडेट होता रहेगा, जहां इन जिलों में यह व्यवस्था जल्द शुरू हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस के एक डीआईजी की जांच पड़ताल में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस का ये बड़ा अधिकारी एजेंट रखकर थानों से वसूली करता था, जब बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी जांच में यही रिपोर्ट दी है, जहां इसके बाद बिहार सरकार ने आरोपी डीआईजी को सस्पेंड कर दिया है। जहां बुधवार की रात राज्य सरकार ने मुंगेर के डीआईजी रह चुके शफीकुल हक को सस्पेंड करने की अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें कि शफीकुल हक पर पुलिस के छोटे पदाधिकारियों से वसूली कराने का गंभीर आरोप लगा है। जब मुंगेर के डीआईजी रहते हुए उन्होंने जमकर वसूली कराई, हालांकि पिछले 6 महीनों से वे पुलिस मुख्यालय में वेटिंग फॉर पोस्टिंग थी। सरकार ने उन्हें सस्पेंड करते हुए निलंबन के दौरान पटना आईजी के कार्यालय में हाजिरी लगाने को कहा है। सरकार को मिली आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की रिपोर्ट्स के अनुसार मुंगेर के डीआईजी रहते हुए शफीकुल हक एजेंट रखकर पैसे की वसूली कराते थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव के 9वें चरण में जनता ने दिग्गज प्रत्याशियों को धूल चटा दिया है। जब बुधवार को हुई वोटों की गिनती में बिहार के मंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक के घर वालों को निराशा हाथ लगी है। एक ओर जनता ने कई रसूखधारों को सिरे से नकार दिया है, तो वहीं साफ सुथरे और स्वच्छ छवि के साथ साथ पढ़े लिखे युवाओं को लोगों ने जीत की माला पहनाई है। पंचायत चुनाव में परिवर्तन की लहर के बीच पश्चिमी चंपारण जिला के नौतन और बेरिया प्रखंड क्षेत्र के सभी 38 पंचायतों का चुनाव परिणाम आ गया है। यहां बिहार के उप मंत्री रेणु देवी के भाई को सांसद के भाई ने करारी शिकस्त दी है, तो वहीं पर्यटन मंत्री की पुत्र वधु मुखिया का चुनाव हार गई है। कभी दस्यु सरगनाओं का घर कहे जाने वाले नौतन और बेरिया प्रखंड क्षेत्र के मतदाताओं ने इस बार अपनी पंचायत सरकार का चयन करते हुए कई दिग्गजों को धूल चटाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। जब चुनाव नतीजे में बिहार के उप मुख्यमंत्री के भाई यानी कि रेणु देवी के भाई से लेकर पर्यटन मंत्री की बहुत तक शामिल है, जिसकी चर्चा जोरों पर हो रही है। इसको लेकर सोशल मीडिया साइट्स पर लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया जिले के सरकारी स्कूल के बच्चों ने चिल्ड्रेन बैंक खोल डाला है। जब ये राष्ट्रीयकृत या फिर निजी बैंक नहीं है बल्कि बच्चों का बैंक है, फिर भी इसकी कार्य प्रणाली पूरी तरीके से बैंक की तरह ही है। जब यहाँ बच्चे अभिभावकों से मिले जेब खर्च को बचाकर कुछ रकम जमा करते हैं चिल्ड्रेन बैंक में और उसी को पाठ्य सामग्री यानी कि पेंसिल, रबर, कटर, कॉपी, पेन और किताब खरीदते हैं। यही नहीं, कभी जरूरत पर पैसे नहीं रहते तो फिर इसी बैंक से बिना ब्याज के ऋण भी ले लेते हैं। इसका संचालन बच्चे ही करते हैं। जहां यह बैंक नेशनल टीचर इनोवेशन अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक नवाचार पुरस्कार से भी सम्मानित नगर प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय डिहूरी के प्रधान अध्यापक वीरेंद्र कुमार की सोच का नतीजा है, जहां उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के लिए हमेशा परेशान रहने वाले गरीब बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए अपने विद्यालय में चिल्ड्रेन बैंक खोला है। बैंक में बच्चों के खाते खुले हैं जिसमें से वे जेब खर्च को मिठाई, चाट या फिर फास्ट फूड पर खर्च नहीं करते हैं बल्कि जमा कर देते हैं और आवश्यक पड़ने पर धन की निकासी करके पाठ्य सामग्री जैसे स्टेशनरी, पोशाक, जूते, मोजे आदि खरीदते हैं। इसी बैंक से बच्चों को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए भी ऋण दिया जा रहा है यानी कि लोन दिया जा रहा है। यहाँ 1 रुपए से लेकर 500 रुपए तक जमा होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक का संचालन पूरी तरीके से स्कूली छात्र करते हैं और ये बैंकिंग प्रणाली पर आधारित है। दोस्तों बात करते हैं कि समय परिवर्तन के साथ किशनगंज जिला के किसान अब व्यवसायिक दृष्टिकोण से खेती करना ज्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि कुछ सालों से यहां के किसान पहले की तुलना में पाट और गेहूं की पारंपरिक खेती को कम करके मक्का की खेती पर विशेष ध्यान देने में लगे हैं। पीला सोना के नाम से प्रसिद्ध मक्का की खेती करने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने भी लगी है, जबकि कुछ साल पहले तक यहां के किसान धान की खेती करने के बाद व्यवसायिक रूप से पाट और कुछ हद तक गेहूं की खेती किया करते थे। लागत के अनुपात पर आर्थिक लाभ नहीं होने के कारण किसानों की रुचि धीरे धीरे पाट और गेहूं की खेती से घटने लगी। वहीं मक्का की खेती में अधिक मुनाफा देखकर यहां के किसान पहले की तुलना में अधिक खेती करने लगे हैं।
दोस्तों विकास के इस दौर में भी जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक उदासीनता के बीच लोग स्वनिर्मित चरचरी पुल से आवाजाही करने पर मजबूर हैं। जनप्रतिनिधियों का पुल पुलियों के साथ सड़कों का जाल बिछाने का दावा निसंदरा घाट को देखकर खोखला साबित हो रहा है। जहां किशनगंज के बहादुरगंज, कोचाधामन और टेरागाज तीन प्रखंडों को जोड़ने वाले निसंदरा घाट में एक अदद पुल के बिना राहगीर को 15 से 20 किलोमीटर का चक्कर लगाकर आवाजाही करना पड़ता है। अन्यथा बरसात के दिनों में उफान मारती नदी की तेज धार में छोटी सी नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर आना जाना पड़ता है। इस ओर किसी भी जनप्रतिनिधि या फिर प्रशासनिक पदाधिकारियों का ध्यान नहीं जाता है। लाचार वश बारिश के बाद निसंदरा घाट में क्षेत्र के लोगों द्वारा स्वनिर्मित बांस के चचरी पुल का आवाजाही करना मजबूरी बन जाता है। यहाँ पर दर्जनों गांव है जो मार्केटिंग करने के लिए मुख्य मंडी बिशनपुर, बहादुरगंज या फिर जिला मुख्यालय किशनगंज सहित अन्य जगह जाने का मुख्य मार्ग है। ये मार्ग पश्चिमी क्षेत्र का लाइफ लाइन मार्ग भी कहा जाता है। उसके बावजूद भी पुल निर्माण नहीं होना खेद की बात है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में युवा चेहरे लोगों का भरोसा जीत रहे हैं। जहां कई दिग्गजों के परिजनों को हार का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं इस बार युवा चेहरों ने जीत का परचम लहराया है। ताजा मामला बिहार के खगड़िया की 22 साल की आकांक्षा बसु का मुखिया बनने के बाद अब भोजपुर जिले से परिधि गुप्ता ने भी पंचायत चुनाव में जीत हासिल कर ली है। MBA करके लाखों का पैकेज छोड़कर भोजपुर की 24 साल की परिधि गुप्ता ने जिला परिषद का चुनाव जीत लिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मुंगेर में पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद बौखलाए हारने वाले मुखिया के समर्थकों ने बुधवार की शाम घर में घुसकर आधा दर्जन महिलाओं के साथ मारपीट के बाद तोड़फोड़ की है। घटना के बाद मुंगेर जिला के मफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्रीमतपुर पंचायत के वार्ड संख्या 1 में तनाव का माहौल है। जब सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस पहुंची, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। मारपीट की घटना के दौरान गोली चलने की भी सूचना मिली थी, पुलिस ने गोली चलने से इनकार कर दिया। दरअसल बुधवार को मुंगेर सदर प्रखंड में संपन्न हुए पंचायत चुनाव के मतों की गिनती चल रही थी। जब मतगणना में जाह्नवी रजा पहलवी की हार हो गई। परिणाम आने के बाद यानी कि रिजल्ट आने के बाद हारे हुए मुखिया प्रत्याशियों के समर्थक श्रीमतपुर पंचायत से मुखिया पद जीत दर्ज करने वाली राबिया इमाम के समर्थक मोहम्मद मुईन के घर पहुंच गए और घर में मौजूद महिलाओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। दोस्तों अब बात करते हैं कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत घर घर पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में बिहार के 5 और शहरों को गैस पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ने की बात कही जा रही है, जिसमें से बिहार के मधुबनी, दरभंगा, गोपालगंज, सिवान और सुपौल जिला शामिल है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार जल्द ही बिहार में इन परियोजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा में बताया है कि बिहार के 5 और शहरों को गैस पाइपलाइन योजना से जुड़ा जाएगा। जो उन्होंने एक लिखित सवाल के जवाब में बताया है कि बिहार के 5 और शहरों दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, गोपालगंज और सिवान को गैस पाइपलाइन योजना में शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि अगले दौर में इनकी बिडिंग की जाएगी। जो इन शहरों में पाइपलाइन के जरिए घरेलू गैस की आपूर्ति की जाएगी। मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने यह भी बताया है कि शहरी घरों में पाइप से घरेलू गैस की आपूर्ति योजना के तहत मई 2021 तक पटना के 31,624 घरों तक पाइप कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं कि 1,25,000 प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षा बहाली की प्रक्रिया पंचायत चुनाव के बाद फिर शुरू होगी। विधानसभा में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने AIMIM के विधायक अख्तर उलीमान के प्रश्न के जवाब में कहा है कि 1,25,000 प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों के लिए टीचर बहाली की प्रक्रिया शुरू है। पंचायत चुनाव के कारण अभी प्रक्रिया रुकी हुई है। यह चुनाव के बाद 1,25,000 शिक्षकों की बहाली शुरू हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि अब देश में फ्लेक्स फ्यूल इंजन अब अनिवार्य रूप से लागू होने वाला है। जब देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मोदी सरकार ये फैसला लेने जा रही है। इसके संकेत केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दे चुके हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि अगले 2-3 दिन में कार कंपनियों के लिए अनिवार्य रूप से फ्लेक्स फ्यूल इंजन लाने का आदेश जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्राजील, अमेरिका, कनाडा में फ्लेक्स इंजन के जरिए ही वही कार 100% बायो एथेनॉल करके चलेगी, जो कि हमारे किसानों ने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि ये एक ग्रीन फ्यूल है जिसमें जरा से भी प्रदूषण नहीं रहेगा। साथ ही आपकी गाड़ी लगभग 65 रुपये प्रति लीटर की दर से चलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्लेक्स ईंधन इंजन में 1 से अधिक ईंधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि 15 से 20 दिनों के बाद मेरे पास एक खास तरीके की गाड़ी होगी जो कि ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करके चलेगी।
दोस्तों अब बात करते हैं कि पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का कहना है कि उन्हें नहीं लगता है कि 2024 आम चुनाव में कांग्रेस को 300 सीटें मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी 300 सीटें जीतेगी, यानी कि कांग्रेस 300 सीटें जीतेगी, उसे ये नहीं लगता है। रैली में आजाद ने कहा है कि मैं कहूँ कि धारा 370 को वापस ले आएंगे तो ये झूठा होगा, क्योंकि 370 को वापस लाने के लिए 300 सांसदों की दरकार होगी। जहां आने वाले जनरल चुनाव में कांग्रेस 300 सीटें लाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। दोस्तों बात करते हैं कि खगड़िया जिले के अलौड़ी प्रखंड के मेघोना गांव पंचायत से 22 वर्षीय आकांक्षा बसु मुखिया चुनी गई है। जहां वे दिवंगत पूर्व मुखिया जगदीश चंद्र बसु की बेटी है। जगदीश चंद्र बसु की अपराधियों ने 1 मार्च 2019 को हत्या कर दी थी। जहां आकांक्षा भौत के विज्ञान से स्नातक पास है। दिल्ली में वे प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रही थी। जब पिता की हत्या के बाद वे गाँव वापस आ गई। जहाँ उनका लक्ष्य ही बदल गया। जब पंचायत में मुखिया पद से कुल 18 प्रत्याशी मैदान में थे। आकांक्षा ने खगड़िया जिले के मेघोना पंचायत से 2806 वोट से जीत दर्ज की है। जहां उनके पिता भाकपा नेता जगदीप चंद्र बसु 4 बार मुखिया रहे थे। जहां 4 बहन और 1 भाई में आकांक्षा सबसे बड़ी है। जब वह सरकारी अफसर बनना चाहती थी, पिता की मौत के बाद आकांक्षा ने ही पूरे परिवार को संभाला। दोस्तों बात करते हैं कि आधुनिकता के दौर में भागम भाग भरी जिंदगी में समय के अभाव ने अब लोगों की पूरी दिनचर्या ही बदल कर रखती है। एक जमाना था जब सर्दी की दस्तक होने पर रजाई भराई का काम जोर से पकड़ता था। सर्दी से पहले ही ऊन के स्वेटर आदि बुने जाने लगते थे, लेकिन बदलते दौर में अब गर्म कपड़ों का ट्रेंड बदल गया है। जहां अब पहनने वाले रेडीमेड कपड़े पहनते हैं और ओढ़ने वाली फैंसी कंबल और रजाइयां आदि की खरीद का चलन बढ़ गया है। दिसंबर शुरू होते ही सर्दी अपने सबाब पर पहुंच रही है। जहां रात में ठिठुरन बढ़ गई है, बाजार में गर्म कपड़ों की खरीद शुरू हो गई है, रजाई गद्दों की भराई का काम भी जोर से पकड़ने लगा है। लेकिन इन सब के बीच गर्म कपड़ों के बदलते ट्रेंड ने ऊन कारोबार और रजाई गद्दों की भराई का काम मंदा पड़ गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि भले ही पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ कमी नहीं की गई है, पर महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। जब दैनिक उपयोग की चीज़ों से लेकर सब्जी तक के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं, जिसके चलते रसोई का बजट लरखरा गया है। कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट में कमी कर दी तो कुछ ने वजन कम कर दिया है। जहाँ ऐसे में उपभोक्ताओं के कंधों पर महंगाई का बोझ पड़ा है। जब नामी ग्लूकोज बिस्किट का वजन 5 ग्राम घटा दिया है। बासमती चावल के दामों में 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। पहले ये 80 रुपये थी, अब 90 रुपये हो गए हैं। वॉशिंग पाउडर पहले 1 किलो 55 रुपये में आता था, अब वह 61 रुपये का हो गया है। अभी 100 रुपये किलो अरहर दाल, 100 रुपये किलो मूंग दाल, 120 रुपये किलो उड़द की दाल बिक रहा है। जब किराना व्यवसायी नवनीत गुप्ता ने बताया है कि दालों के दाम स्थिर है, वॉशिंग पाउडर अन्य दैनिक उपयोगी वस्तुओं में कुछ बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में बुधवार को नाम के साथ ही जमीन का नक्शा परिवर्तन करने वाला बिहार भूमि दाखिल खारिज विधेयक 2021 पास हो गया है। भूमि विवादों को खत्म करने और जमीन की पहचान स्पष्ट रखने के लिए सरकार ने पुराने राजस्व से संबंधित नियमों में 9 संशोधन करके इस बिल को सोमवार सदन में पेश किया था। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के विरोध और कुछ सुझावों को बहुमत से अस्वीकार करते हुए इसे पारित कर दिया है। जब बिहार में इसे लागू होने के बाद रोजगार का एक नया क्षेत्र भी खुल जाएगा। इस नई व्यवस्था में जमीन के दस्तावेज में नाम परिवर्तन के साथ प्लॉट का नक्शा फोटो तो रहेगा ही, जहां खाता खेसरा और रकबा भी फोटो में होगा। जहां इससे छोटे से छोटे जमीन के टुकड़े का क्रय विक्रय कितना भी बार हो चौहद्दी अपडेट होती रहेगी। अभी दाखिल खारिज जो कराते हैं उसमें नक्शा का म्यूटेशन नहीं होता था। जहां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन को बताया है कि हर रैयत के स्वामित्व वाले भूखंड का भाग चौहद्दी सहित स्पष्ट रूप से चिन्हित रहेगा। जमीन के क्रय विक्रय में धोखाधड़ी नहीं होगी, फर्जी विक्रेताओं पर नकेल कसी जाएगी, मूल रूप से नक्शा का भी म्यूटेशन होगा। उदाहरण देते हुए कहा है कि यदि कोई रकबा खेसरा 100 डिसमिल का है, उसमें किसी भाई आदि ने 20 डिसमिल जमीन बेचा है, तो वह म्यूटेशन नक्शा के साथ साथ हो जाएगा। जब नक्शा का यह म्यूटेशन डिजिटल होगा, इस डिजिटल मैप के मदद से कोई भी पता कर लेगा कि खरीदी जाने वाली जमीन की किधर से चौहद्दी बिक चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वीडियो वायरल हुआ है। यह वायरल वीडियो में दीदी पर राष्ट्रगान को बैठकर शुरू करने और फिर उसे पूरा न करने पर आरोप है। जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मुंबई में राष्ट्रगान के अपमान को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। उनके खिलाफ यह शिकायत बीजेपी पार्टी के नेता ने कराई है। ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुंबई दौरे पर थी। जहां उस दौरान उन्होंने राष्ट्रगान को जैसे ही शुरू किया, उस समय वे कुर्सी पर बैठी थी। जब बाद में वे
उठी भी, लेकिन उन्होंने राष्ट्रगान को पूरा नहीं किया। जब पूरा नहीं गया, आपको बता दें कि मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें वे राष्ट्रगान शुरू करने से कुछ सेकेंड बाद कुर्सी से उठी है। जहाँ इतना ही नहीं, दाड़ेवेल उत्कल बंग के बाद वे जय महाराष्ट्र, जय बिहार और जय भारत बोलकर राष्ट्रगान गाना बंद कर देती है। जन गण मन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, जय महाराष्ट्र, जय बंगाल, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। केंद्र सरकार को घेरने के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खूब दौरे कर रही है, देश की मुख्य पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं से भी मिल रही है। यह राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ममता बनर्जी यानी कि ममता दीदी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी और अपनी छवि के विस्तार के लिए ऐसा कर रही है। साथ ही ममता बनर्जी अपनी इस कवायद से कांग्रेस मुक्त विपक्ष अभियान को तेज करने में जुट गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी एक खबर है। जब बीते कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया है। अस्पताल ने कल उन्हें छुट्टी दे दी है। लालू प्रसाद यादव दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर लौट आए हैं। फिलहाल वे दिल्ली में रहकर ही अपने इलाज कराएंगे अपनी बेटी के आवास में। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे दीघा से दीदारगंज तक गंगा पथ परियोजना का कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दूं कि पटना के दीघा से गांधी घाट तक निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अगस्त 2021 तक दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के बीच आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ये पुल देश का सबसे बड़ा पुल होगा। दोस्तों बात करते हैं कि सहलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है। जब ओपी राजभर ने कहा है कि सीएम योगी सिर्फ जीभ और जीप चलाना जानते हैं। राजभर ने आगे कहा है कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सलाह देता हूं कि आप मंदिर चले जाएं और वहां पर घंटा बजाएं। एक सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ झूठ बोलते हैं, मैं पूर्वांचल से आता हूं और आज कह रहा हूं कि वहां 150 से अधिक सीट जीतकर अखिलेश यादव को सीएम बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि योगी आदित्यनाथ टीवी पर जीभ चलाते हैं और किसानों पर जीप चलाते हैं। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि प्रधानमंत्री देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार सब कुछ बेचने में जुट गई है। ओपी राजभर ने आगे कहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी की सरकार महंगाई घटाने का ढोंग कर रही है, हमारी सरकार आएगी तो लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक, कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।